गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट में देखिए चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 आपका टॉपिक नंबर्स अप टू 20। देखिए चैप्टर नंबर 4 था नंबर्स अप टू 20। देखिए नंबर्स अप टू 20 का मतलब होता है कि 20 तक नंबर हम लोग कैसे बनाते थे, इसके बारे में हमने आपको बताया था। उसी पे एक्सरसाइज 4B में आइए। एक्सरसाइज 4B में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द नंबर व्हिच कम्स, इसमें दिया है राइट द नंबर व्हिच कम्स, जो नंबर आएगा उसको आपको फिल अप करना है। यहां क्या है, पहला बिफोर के बाद इन बिटवीन और इधर दिया है आफ्टर। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम दिया है, बिफोर दिया है, बिटवीन दिया है, आफ्टर दिया है। बिफोर मतलब पहले, बिटवीन मतलब बीच में, और आफ्टर मतलब बाद में। मतलब कि जो आप पहले बिफोर का नंबर लिखना है, फिर बिटवीन में लिखना है, फिर आफ्टर लिखना है। यहाँ पर बिफोर में देखिए यहाँ पे दिया है 17, 12, 19, 14 और 18। फिर बिटवीन में दिया है 14, 16, 11, 13, 13, 15, 10, 12, 16, 18। फिर आफ्टर में दिया है 18, 13, 16, 15 और 19। देखिए ध्यान से, आपको बिफोर, बिटवीन, आफ्टर ये सारी चीजें आप फर्स्ट से देखिए। आप बिफोर, बिटवीन, आफ्टर तीनों चीज जो है आप जो है पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में, बिटवीन मतलब बीच में। जो नंबर लिखा है इसमें बिफोर का मतलब होता है पहले। आपको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आती है, 1 से लेकर 100 तक आप LKG UKG में पढ़े हैं। तो 17 है तो 1 और 7, देखिए इसमें दो नंबर है 1 7। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सारे नंबर में 1 1 1 1 1 से सारे नंबर में जो टेंस का नंबर है वो सेम है। जो देखिए ये होता है वंस और ये होता है टेंस। तो जब आप देखिए टेंस के कॉलम को देखेंगे तो 1 1 1 1 1 सब में क्या है, 1 1 सेम है। तो इसका आपका कि टेंस का नंबर नहीं बदलेगा। पहले आप यहाँ 1 भरिए, यहाँ भी 1 भरिए, फिर यहाँ भी 1 भरिए, यहाँ भी 1 भरिए, यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे वंस के कॉलम में जाइए, यहाँ पे देखिए 7 है। तो 7 के पहले कौन सा नंबर आता है, अगर आप पढ़े हैं 1 से लेकर 100 तक तो आपको मालूम होगा कि 7 के पहले 6 आता है। तो यहाँ पे 6 भर दीजिए तो 1 6 क्या होगा, 16 हो जाएगा। इसी तरह 12 है, देखिए 2 है, 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है, तो 1 1 11 बन जाएगा। इसी तरह 9 है, 9 के पहले 8 आएगा, तो 1 1 18 बन जाएगा। इसी तरह 4 है, तो 4 के पहले 3 आता है, तो 1 3 13 हो जाएगा। और 8 है तो 1 8 के पहले 7 आता तो 1 7 17 हो जाएगा। इसमें भी वही चीजें देखिए, टेंस का नंबर सेम है। देखिए 1 1 सब में है, 1 1 यहाँ भी सब में है। सबसे पहले आप यहाँ पे 1 1 1 1 1 लिख दिए। यहाँ देखिए इसमें दो नंबर है, वंस और टेंस। तो टेंस का नंबर आगे होगा, वंस का नंबर पीछे होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सब में 1 1 सेम है। और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो 1 से लेकर 100 तक आप काउंटिंग पढ़े हैं, तो 14 के बाद क्या पढ़ते हैं,
15 यहां पे और ये 14 15 16 हो गया, तो बीच में कौन सा नंबर आया 15 आया, तो आपको यही नंबर भरना है क्योंकि जब आप काउंटिंग करते हैं तो 14 15 16 तो 14 और 16 के बीच में 15 आया, आपका ये जो हो जाएगा 15 हो जाएगा नंबर, क्या हो जाएगा यहां पे 15 हो जाएगा। इससे 11 है तो 11 के बाद यहां 12 आ जाएगा क्योंकि 12 बीच में आया ना, तब ना उसका 13 आ रहा है, बीच का नंबर 12 हो गया, इसका 13 है तो यहां पे 14 हो जाएगा, 10 है तो 11 हो जाएगा, 16 है तो 17 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 14 16 के लिए 15 हो रहा है, 11 और 13 के लिए 12 हो रहा है, 13 15 के लिए 14 हो रहा है, 10 और 12 के लिए 11 हो रहा है, 16 और 18 के लिए 17 हो रहा है। अब 18 के बाद पढ़िए 19 यहां भर दीजिए, यहां 14 हो जाएगा, यहां 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहां पे 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, करा फिल द सर्कल्स विथ साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। देखिए यहाँ पे आपको सर्कल के अंदर ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू तीन तरह के साइन का यूज करना है। देखिए क्या है 16 18 20 19 15 16 हो गया, यहाँ 14 18 और 14 और 14, इसी तरह यहाँ 13 15 20 11 18 20 13। फिर अगला किया है 15 17 10 19 18 12 20 20 और 17 11। अब यहां ध्यान से देखिए, देखिए यहां 16 और 18 आपको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो आपको मालूम है कि ग्रेटर नंबर अगर आगे है और स्मॉलर नंबर पीछे है तो वहां पे हमेशा ग्रेटर देन का साइन लगता है, और अगर स्मॉलर नंबर आगे है ग्रेटर नंबर पीछे तो वहां पे लेस देन का साइन लगता है, और दोनों तरफ अगर सेम नंबर होते हैं तो इक्वल टू का, इन तीनों में से कोई एक साइन आपको यूज करना है। आप यहां देखिए कंपेयर कर सकते हैं, देखिए यहां पे 1 और 1 दोनों का सेम है, 1 और 1 दोनों का सेम है। अब इसके बाद आइए, अब जब 1 1 सेम है तो डेफिनेट है कि अब उसके बाद दूसरा नंबर 6 और 8, तो 6 के बाद 8 आता है, तो 6 इज लेस देन 8, 6 जो है 8 से छोटा है, लेस देन है 6 इज लेस देन 8, तो जैसे ही 6 इज लेस देन करेंगे तुरंत आप यहां लेस देन का साइन लगा दीजिए, मतलब कि 16 इज लेस देन 18, 16 जो है 18 से कम है। अब यहां पे आइए, देखिए यहां पे पहला नंबर 2 लेंगे, इधर 1, जब 2 और 1 लेंगे तो 2 बड़ा होगा 1 छोटा होगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 मतलब 2 जो है 1 से बड़ा है, जैसे ही 2 इज ग्रेटर देन हमने बोला यहां पे तुरंत आप ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए, और ऐसे में अगर काउंटिंग आपको मालूम है तो 20 बड़ा होगा और 19 छोटा होगा, इसलिए यहां पे ग्रेटर देन का साइन लग गया। इसी तरह 15 और 16 है तो क्या होगा, 16 देखिए इधर आ गया 15 इधर, तो ये स्मॉलर नंबर ही ग्रेटर नंबर है,
जब भी स्मॉलर नंबर आगे हो और ग्रेटर नंबर पीछे हो तो वहां पे लेस देन का साइन लगा दीजिए। यहां देखिए 14 18 है, जैसे आपने ऊपर किया इसी तरह यहां भी लगा दीजिए। अब यहां पे देखिए 14 14 सेम है, यहां पे इक्वल टू का साइन लग गया। यहां देखिए 13 13 है, यहां भी इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। 15 20 है, यहां लेस देन का साइन होगा। 11 से बड़ा 20 होता है, यहां पे ग्रेटर का साइन हो गया। 18 18 सेम है, इक्वल टू का साइन हो गया। 13 से बड़ा 20 होगा, यहां पे ग्रेटर का साइन हो गया। यहां देखिए 17 से छोटा 15 होता है, तो लेस देन का साइन लगा दीजिए। फिर यहां भी लेस देन, क्योंकि 10 और 19 19 से छोटा 10 मत, इसलिए लेस देन हो गया। 12 से बड़ा 18 होता है, यहां ग्रेटर का साइन हो गया। 20 20 सेम है, इक्वल टू लगा देंगे। और 11 से बड़ा 17 होता है, इसलिए यहां पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको अरेंज द नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना, सबसे बड़े नंबर पे जाना है। सबसे पहले लिखिए आते हैं 8 9 11 15 12। अब इसका देखिए ए का आंसर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 9 11 15 12, आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, उसके बाद बड़े नंबर पे जाना है। इसमें देखिए सबसे छोटा 8 है, क्योंकि 8 के बाद ही जो भी नंबर है, 8 के पहले कोई नंबर है नहीं, 8 के पहले इसमें कोई नंबर नहीं है। जो भी नंबर 8 के बाद है, 8 इसमें सबसे छोटा होगा। 8 हो गया, फिर इसका 9 लिखा, इसके 9 यहाँ लिखा है, 9 को लिख दीजिए, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है। छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगा, सबसे लास्ट में बड़े नंबर पहुंचेंगे। 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद देखिए 10। देखिए अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 9 के बाद 10 होता है, तो इसमें 10 लिखा नहीं है, इसलिए आप 10 को नहीं लेंगे। जो नंबर इसमें लिखा रहेगा वही नंबर आप लेंगे। तो 8 के बाद 9 हुआ, 10 है नहीं, 10 का 11 लिखा, तो 11 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 11 के बाद 15 या तब 12 है, तो 11 के बाद आपका 12 आता है, तो 12 के बाद 15 आता है। तो इसका मतलब कि 12 आगे होगा और 15 सबसे पीछे आएगा। तो हम देखिए सबसे छोटा नंबर हमसे हमने स्टार्ट किया है और इसमें सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो यही इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसी सेकंड में आइए बी में, बी में क्या दिया है, 17 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 12 दिया है, 19 दिया है। अब फिर इसका आंसर समझ लीजिए, सबसे छोटा नंबर देखिए 10, 10 के बाद 10 के पीछे तो कोई नंबर है नहीं, सबसे छोटा देखिए 10 हमने लिखा, 10 के बाद 11 नहीं है, लेकिन के 12 लिखा हुआ, 12 लिख देंगे। 12 के बाद देखिए 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, उसका देखिए 16 लिखा हुआ है, तो 16 लिख दिए। 16 के बाद यहाँ पे 17 है, तो 17 लिख दिए। 18 इसमें है नहीं, 18 को आप छोड़ दीजिए, 18 का देखिए 19 लिखा है, तो 19 आप लिख दीजिए। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया, सबसे बड़े नंबर पहुंच गया। फिर सी में आइए, यह 9 7 14 15 18, इसका आंसर कितना होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है, 7। 7 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, सबसे पहले 7 लिखिए, 7 का 8 नहीं है, लेकिन 9 लिखा है, तो 9 लिख दिए। 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, लिखिए 14 लिखा होते हैं, 14 लिख दिए। 14 का देखिए 15 भी लिखा, 15 लिख देंगे। 15 का देखिए 16 और 17 नहीं लिखा, तो आप 16 17 अपने मन से नहीं लिखेंगे, 16 17 छोड़ेंगे, 16 नहीं है 16 को छोड़ देंगे, 17 नहीं है 17 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि 18 लिखा हुआ है, लास्ट में 18 हो गया। तो इस तरह से हम 7 से स्टार्ट किया और सबसे छोटा नंबर 7 होगा और सबसे बड़ा नंबर 18 होगा, इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये।
फाइव का पहला दिया है ए में, अरेंज द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, आपको जो भी नंबर लिखना है ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ये था आपका स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर फोर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट था। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आपको ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर पे जाना है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर पे जाना है। दिया है देखिए 12 दिया है, 16 दिया है, 10 दिया है, 17 दिया है, 19 दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर, सब में देखिए 11 सेम है, देखिए 1 टू 12 होता है, 1 6 16 होता है, 1 0 10 होता है, और 1 7 17 होता है, 1 9 होता है। तो इसमें देखिए जो पहला नंबर सबका सेम है, अब उसके बाद पीछे का नंबर देखिए 2 6 0 7 9, ये देखिए यहाँ पे 2 है, 6 है, 0 है, 7 और 9, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 9 होगा, इसका मतलब कि 19 आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 19 लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या होगा 19। अब 19 के आगे आपको नहीं चलना है 19 के पीछे, तो 19 के पीछे क्या होगा 18, इसमें नहीं लिखा हुआ है 18 के पीछे 17, देखिए 17 क्या लिखा है 17 17 के पीछे 16 नहीं लिखा है, 15 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, लेकिन 12 है, देखिए 12 लिखा है, 12 लिखिए। अब 12 के बाद 11 नहीं है, 11 नहीं है, तो उसके पीछे देखिए 10 लिखा है, तो 10 लिखिए। तो इस तरह से कितना 1 2, अच्छा 16 है, सब यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे देखिए 19 के पीछे जो है 16 है, देखिए 19 के पीछे आपका 17 होगा, ये 17 के पीछे 16 होगा, 16 के पीछे 12 होगा, 12 के पीछे 10 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह बी में आई है, बी में 8 है, 15 है, 20 है, 12 है, 13 है, इसका आंसर वही चीज है, सबसे बड़ा नंबर 20 होगा, 20 के पीछे 19 नहीं, 18 नहीं है, 17 नहीं, 16 होगा, लेकिन 16 नहीं है लेकिन 15 है, 20 के पीछे 15 होगा, 15 के पीछे 14 नहीं होगा, 14 के पीछे देखिए 13 है, 13 के पीछे 12 है, अब 12 के पीछे ना 11 है, 11 नहीं है छोड़ देंगे, 10 भी नहीं है उसको भी छोड़ देंगे, 9 भी नहीं है 9 को भी छोड़ देंगे, लास्ट में 8 भी नहीं है, 8 है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन सी में आइए। ठीक है सी में आएंगे तो यहाँ 19 दिया है, 17 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 8 दिया है, तो इसका आंसर देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें 19 अपनी जगह सही है, 17 भी अपनी जगह सही है, लेकिन देखिए 10 है इधर 12, पहले 12 इधर आएगा 10 पीछे जाएगा, तो 12 आगे आ जाएगा 10 पीछे जाएगा, 8 यहाँ चला है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4 भी हमने खत्म कर दिया है, अगले वीडियो में योर सेल्फ करके है, इस तरह से चैप्टर नंबर 4 आपका फिनिश हो चुका है, जो रिवीजन एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।